नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरियार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। धनबाद शहर के हीरापुर बाजार में मनाही और सरकारी प्रतिबंधियों के बावजूद कई दुकानें खुलने की सूचना पर जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां मौजूद दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करेगी। इस मौके पर धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कई दुकानदार और मनाही के बावजूद दुकान खोलकर सामान बेच रहे हैं, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इसी क्रम में जिला प्रशासन में औचक निरीक्षण कर आज जांच किया, दुकानदारों को सलाह दी कि वह वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। दुकानें यहाँ पे नहीं लगानी है, क्योंकि ये काफी भीड़ भाड़ का इलाका है। आप में से अधिकांश सब्जी विक्रेता लोग परिसर के मैदान में शिफ्ट कर गए हैं। अभी भी कई दुकानदार यहीं पे हैं। हम लोगों का ये हीरापुर हॉटस्पॉट कोरोना का घोषित हो चुका है। अधिक से अधिक संख्या में मरीज यहाँ से मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी सब्जी दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने कल से जो भी यहाँ पे सब्जी दुकानदार रह गए हैं, वो जिला परिषद के मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए बाजार लगाएंगे। कल किन्हीं का भी अगर यहाँ पे सब्जी दुकान लगा हुआ मिला तो कानून उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। हम लोग दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए, तो हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। ठीक उसी तरह यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को मैं निर्देश दे रहा हूँ कि जो जो दुकानें बंद रहनी है वो सारी दुकानें बंद रहेंगी। प्राय सूचना मिल रही है कि कुछ दुकानें खुली रहती है, जो कि सरकार ने मना किया। आज जब हम सब यहाँ आए तो धड़ाधड़ बंद करके लोग भाग गए। कल से हम लोग हमेशा अपनी पूरी मीटिंग यहाँ पे घूमते रहेंगे। अगर ऐसे दुकानदार जिसको सरकार ने मना किया है उसके बाद भी यदि खोले हुए हैं, तो ना केवल दुकान सील की जाएगी बल्कि ऊपर FIR भी हम लोग करवाएंगे। बहुत सारे लोग थे वो अपनी दुकानों को शिफ्ट करके चले गए हैं, जहाँ पे हमने जिला परिषद मैदान दिया था। कई लोग अभी भी यहाँ पे दुकानें लगाए थे और अपना हीरापुर एक हॉटस्पॉट एक तरह बन चुका है कोरोना का, तो अब आवश्यकता हो गई है सख्ती की। तो आज हम लोग उसी मोड पे आए हुए हैं। दुकानें बंद पाए, अभी तो सारी दुकानें बंद पाई थी, सब्जी दुकानें खुली हुई थी। कोई भी दुकान जिसको सरकार ने मना किया खुला मिलेगा, तो अबसे कल से हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, और ना केवल कार्रवाई बल्कि FIR होगा और दुकानें सील। लेकिन जैसा कि देखिए, सूचना के बावजूद लोग नहीं पहुंचते हैं, जो लोग कहते हैं कंप्लेन कर रहे हैं, जो दुकान खुली हुई है चैम्बर के लोग कर रहे हैं शिकायत, बावजूद लोग एक्शन नहीं। पुलिस आती है राउंड में, हमेशा पुलिस रहती है, मेरी पेट्रोलिंग पुलिस में रहती है, पर जब आती है तो ये लोग अपनी दुकानें शटर बंद करके छुप जाते हैं। लेकिन आज के बाद मैं हमेशा कहूँ कि हम लोग डेली एक बार, चूँकि ये हॉटस्पॉट घोषित हो चुका है मेरा हीरापुर, और ये काफ़ी पुराना बाजार है, यहाँ पे कई दुकानें चली गई हैं, लेकिन मुझे अब लगता है सख्ती बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरह के लोग रहेंगे तो ये बीमारी कई जगहों पे फैल जाएगी। तो पर्सनली अभी मैं अपने SP सर यहाँ पे आए हुए, हम लोग सब लोग मिल के इस जगह को, हम लोग इसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी दुकानें उसे काम करवाना चाहेंगे।